कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सोच रहे होंगे मैं किधर चला गया था एक महीने का, अभी मजा आएगा ना भिड़ो माल। तो हमारे अपने भी कुछ काम होते हैं भाईजान। अच्छा, अब से डेली व्लॉगिंग शुरू हो गई है। चल चूटा, ठीक है। तो मतलब बाजू पता नहीं क्यों दर्द कर रही है, समझ रहे हो, एक महीने के बाद व्लॉगिंग कर रहे हैं ना, इसलिए तो गेम बचाना पड़ेगा। सीन ऐसा है कि ईमान भी आ गई है स्कूल से अभी, ठीक है। तो फ्रेश हो गई है ईमान, बोलो ना। हाँ बस मैं फ्रेश होने वाली हूँ, अभी हम कुछ मेहमानों के पास जाएंगे ना, तो अभी ये दावत पे जा रही है, ठीक है। तो वेलकम बैक हो गया आपका इस व्लॉग में। तो आज से डेली व्लॉगिंग शुरू करेंगे। अब तो सच बोल दे। तो बस आपको जैसे मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे सपोर्ट करना, ठीक है ठीक है। आज से छुट्टी उट्टी कोई नहीं होगी, बहुत गुड हो गया जी। तो आपको मैं सारा सीन बताऊंगा, ठीक है। तो एक महीने के लिए मैं कहाँ गया था। 3 hours later तो गाइस, एक महीने से मतलब मैं व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहा था। तुम्हारे कुछ पूछा पूछा मैंने कुछ। लाइट्स तो ऑफ ऑन कर दो अब, सही ठीक है। तो एक महीने से मैं व्लॉगिंग इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जो मेरे अब्बू वाले हैं ना, वो सारे चले गए थे सऊदी अरबिया। माशाल्लाह, वाजवा सुभान अल्लाह। मेरी बहन भी और मेरा अब्बू, मतलब फैमिली सारी चली गई थी और मैं नहीं गया था, मेरे भाई वाले जो है ना, ठीक है। तो इसलिए मतलब एक महीने से व्लॉगिंग नहीं कर रहा था, ठीक है ठीक है। तो अब वो वापस आ गए, ठीक है। तो अब अपना चैनल पे व्लॉगिंग कंटिन्यू रखेंगे। अब तो सच बोल दे। आपको भी एक साथ रहना है। तो मेरे बहन ने, मतलब जो छोटी बहन है ईमान, है ना, उसने वहाँ पे मतलब कुछ क्लिप्स बनाई थी, ठीक है। तो वो आप थोड़ी देख ले, ठीक है। सऊदी अरब, जैसे कि भाई ने बताया होगा आप लोगों को, यहाँ पर कराची पे आ गए हैं। बस चलते हैं अभी, फिर चाचू के घर जाएंगे, फिर वहाँ से एयरपोर्ट जाएंगे। बस वहाँ पर जाके एयरपोर्ट पे फिर आपसे मिलते हैं। पापा ने नहीं कहाँ पर भी रोका गाड़ी के, चलो चलते हैं यहाँ पर मार्ट पे कुछ लेते हैं, कुछ भी बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। हमारे पास में एक शॉप थी ना, तो वहाँ से मैंने चीजें ले ली थी। तो गाइस मैं यहाँ पर आ गई थी, मैंने कितना 2-3 घंटे तो लग गए, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो हमारी बोर्डिंग हो गई, सारी चेकिंग जितनी बार होने की, बैग की चेकिंग हो गई। अभी हम शॉप पे आए, आपको पीछे तो कुछ नज़र आ रहा होगा, लेकिन आप लोग ये तो देखो। वाह गाइस, मुझे बहुत पसंद आया ये गाड़ियाँ, देखो यहाँ पर। ओह माय गॉड, बहुत अच्छा है ये गाड़ी, देखो। एरोप्लेन्स भी यहाँ पर बहुत सारे। जी वो सामने है, उम्रे वाले जा रहे हैं, उम्रे वाले, हम भी उम्रे वाले, ठीक है जी, बढ़िया। ये देखो गाइस, वो हमारा एरोप्लेन एक्शन किट, ये रहा। तो गाइस यहाँ पर मेरे अब्बू ने भी एहराम पहन लिया है। Oh
एक्सपीरियंस क्या व्यू आ रहा है يا راحلي نيل بنا بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي وهمتم جفني المنام ببعدكم يا ساكنين मक्का भी आपको दिखाएंगे व्लॉग एंड होने वाला है लेकिन बाय ईमान वालों ने मतलब इधर ही व्लॉग को एंड कर दिया था एरोप्लेन में ही क्योंकि मतलब बहुत थकन हो जाती है ना आपको पता है जो जो जाता होगा उनको पता होगा ठीक है। दो तीन दिन के बाद व्लॉग बनाया था सफा मरवा का तो वो आपको दिखाएंगे ठीक है। इसने जो बनाया जहाँ भी ये गए थे मतलब जो जो जगह पे ये गए थे तो उनके व्लॉग्स है तो वो मैं डाल दूंगा अगर इस व्लॉग में 50 लाइक आ गए तो ठीक है नहीं तो वो फिर भाई छुट्टी कर दो ठीक है। तो डेली व्लॉग जैसे बनाते बनाएंगे है ना शुगर लगाएंगे। अब गाइस इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं है ना। आपने ये क्लिप देख ली होगी है ना तो इसने मतलब छोटी मोटी ये मतलब क्लिप बनाई थी है ना इसने कहा था तो फिर बाद में भाई अपलोड कर दे गए हैं क्या। तो अगर आपको ये मतलब अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना ठीक है। तो कल जगह व्लॉग होगा उसमें मदीने का क्लिप डालेंगे मतलब जो मदीने में ये गए थे उसकी मतलब मदीने की गलियां वगैरह बाजार वगैरह जो गए थे गिफ्ट लाए थे जो हमारे लिए है ना वो मतलब बहुत सारी है क्लिप्स वो आपको फिर दिखाएंगे। तो उस व्लॉग इधर ही एंड करते हैं। ईमान भी आ गई है पता नहीं कहाँ गई कल थी। गाय जो है ना उनकी हम अच्छे से हम अनबॉक्सिंग आपको दिखाएंगे किस चीज की भाई वो है ना आपके लिए गिफ्ट ठीक है। अच्छा इन्होंने मतलब गिफ्ट लाए थे है ना तो उनकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो आप अपना बहुत सारा ख्याल रखना मिलते हैं कल किसी नए व्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। और ये बाल शाल भी बहुत बड़े हो गए हैं भाई इसको भी कटवाएंगे कल और बीएड वगैरह बनवाएंगे तो आपको बताएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना।